माय कैट इज सो क्यूट, तो है ही ड्रामा, भीतर ही ड्रामा है, कैट इज सो क्यूट। तो इमोशन आपको एनिमल लवर कैसे बना देगा जब इमोशन ही रिस्पॉन्सिबल है एनिमल क्रुएल्टी के लिए। ये जो पशु प्रेमी होते हैं एनिमल लवर्स, ये इतने ड्रामेटिक क्यों होते हैं, ये लॉजिकल क्यों नहीं होते कि क्या ये सिर्फ शोबाजी करना चाहते हैं, ये गहराई पे क्यों नहीं जाते? वजह यही है ना कि उनका जो पशु प्रेम है वो अक्सर उठता ही आंतरिक ड्रामे से है। आंतरिक ड्रामे को क्या बोलते हैं, इमोशन। माय कैट इज सो क्यूट, सो हु एम आई, एन एनिमल लवर बिकॉज माय कैट इज सो क्यूट, बट आई एम अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स एंड कॉकरोचेस। तो है ही ड्रामा, भीतर ही ड्रामा है, कैट इज सो क्यूट बट कॉकरोचेस आर बैड। स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी से नहीं उठ रहा है उनका एक्टिविज्म, भावना इमोशन से उठ रहा है। और अब आप मजे की बात सुनिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हिंसा का जो कारण है वो इमोशन ही है। तो इमोशन आपको एनिमल लवर कैसे बना देगा जब इमोशन ही रिस्पॉन्सिबल है एनिमल क्रुएल्टी के लिए। ये बात लोगों को भी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगी कि इमोशन से क्रुएल्टी कैसे आएगी। क्रोध क्या है? इमोशन। लस्ट क्या है? इमोशन। जलसी क्या है? इमोशन। तो हम कैसे सोच रहे हैं कि इमोशन से कोई भला काम भी हो सकता है दुनिया का? हाँ, कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जो मीठे लगते हैं, जैसे मोह, अटैचमेंट। प्रेम इमोशन होता नहीं, वास्तविक जो प्रेम है वो इमोशन होता नहीं। इमोशन जितने होते हैं सब गड़बड़ होते हैं। तो अगर आपका जो पूरा एक्टिविज्म है वो इमोशनल ग्राउंड से उठ रहा है तो बहुत कमजोर आपका एक्टिविज्म होगा और बहुत दूर तक जाएगा नहीं, वो बस वही रहेगा जो आपने कहा, ड्रामा। सो आप चाहेंगे कि जो एक्टिविस्ट हैं जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं वो अपने आप को थोड़ा बैलेंस करें? और नहीं, बैलेंस की बात नहीं है, गहराई की बात है। बैलेंस तो उसी तल पर हो जाता है जिस तल पर आप हो, नीचे जाना पड़ेगा गहराई। बात ये नहीं है ना कि वो पपी था, वो सड़क पर था और उसकी टांग से खून बह रहा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया और क्या होगा, एक पपी को बचा करके ऐसे। हाँ, इससे इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा एक इंस्टाग्राम वीडियो मिल जाएगा कि आपने पपी को बचाया और पपी का क्यूट फेस है और ये और वो है, ये सब से नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पपी का खून बह रहा है तो उसको छोड़ दो, मुझे भी मिलेगा तो मैं भी ले जाऊँगा, लेकिन बात उस भावना भर की नहीं है कि मैंने पपी को बचा लिया। बात गहराई से आनी चाहिए, एक आंतरिक स्पष्टता से आनी चाहिए। नहीं तो आप इतने जानवर हैं दुनिया के जो क्यूट नहीं होते, आप में उनके प्रति फिर कोई संवेदना क्यों आए? बताइए, ऐसे ऐसे जानवर हैं जो गंध मारते हैं, ऐसे ऐसे जानवर हैं जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे लीच की तरह कुछ है, वो है आपको उसके प्रति, वो तो क्यूट नहीं है ना, आपको उसके प्रति कोई भाव ही नहीं आएगा। ऐसे भी जानवर हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं, हानिकारक हैं, आपको कोई भाव नहीं आएगा। तो यहाँ बात व्यक्तिगत पसंद नापसंद की नहीं हो सकती, यहाँ पर बात कुछ और है। और वो जो और बात है, जब तक हम उस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम वास्तव में अहिंसक नहीं हो सकते। कोई तो देखिए, जब तक आपका जो वेजिटेरियनिज्म होगा, जब तक उसका संबंध किन्हीं खास प्रजातियों भर से होगा, तब तक आप बस इतना करेंगे कि उन प्रजातियों को बख्श देंगे। मैं बिल्ली नहीं खाता, मैं कुत्ता नहीं खाता, मैंने एक से एक मांसाहारी देखे हैं जिन्हें बड़ी कोफ्त होती है कि चीन में कुत्ते क्यों खाए जाते हैं। वो खुद बकरा फाड़ के खा रहा होगा अभी बिल्कुल, और कह रहा होगा चीनी बड़े कमीने होते हैं, बकरा वो कुत्ता खाते हैं, कुत्ता खाते हैं। भाई बकरा कुत्ता, कुत्ता बकरा, उसको नहीं समझ में आती है बात। लोगों को अपने कुत्तों से बहुत प्यार होता है और कुत्तों को चिकन खिला रहे होते हैं। लोगों ने सांप पाल रखे होते हैं, सांपों को वो जिंदा चूहा या खरगोश खिला रहे होते हैं, जिंदा ऐसे बस उनकी ओर उछाल देते हैं, ऐसे खरगोश लिया और अजगर बैठा है, सांप बैठा है, उसकी ओर ऐसे उछाल दिया। ये सब कुछ स्पीशीज में है, ये सब कुछ ईगो है, क्योंकि ईगो व्यक्तिगत लाइक्स और डिसलाइक्स पर चलती है। मुझे मेरा सांप पसंद है, मुझे मेरा कुत्ता पसंद है, आपको जानवर नहीं पसंद है, आपको अपना अहंकार पसंद है, आपको कोई जानवर नहीं पसंद है, आपको अपना अहंकार पसंद है। संयोग की बात है कि आपको एक सांप पसंद आ गया, आपको चूहा पसंद आ गया, आपको कुत्ता पसंद आ गया, आपको हाथी पसंद आ गया, इसका मतलब आप एनिमल लवर नहीं हो गए। उस स्पीशीज के अलावा आप बाकी सबके प्रति हिंसा की रहोगे, क्योंकि आपको वास्तव में हाथी से भी नहीं है प्यार, आपको बस अपने अहंकार से, अपनी अपनी पसंद से प्यार है। वो मेरी पसंद है ना, इसलिए मुझे उससे प्यार, ये इसमें कोई दम नहीं है। नैतिकता का जो केंद्र है वो आत्मा होनी चाहिए, आत्मा माने बोध, साफ समझ।
साफ समझ, वरना वही होगा जो आपने कहा कि मछली दिखाई नहीं देती, मछलियों से हम संबंध कम बैठा पाते हैं, पानी में रहती है, हम हवा में रहते हैं, तो मछली खा भी रहे हैं तो कई लोग तो उसको सी फूड बोल रहे हैं, कई कई उसको ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि शायद बंगाल में बोलते हैं कि ये तो पानी की चीज़ है ना, तो क्या पानी की घास बोल देते हैं, कि ये तो पानी के अंदर है ना, तो ये तो वेजिटेरियन है, पानी से निकली पानी की घास है ये, वो तो ये सब भी चलता है, क्योंकि आप उससे रिश्ता ही नहीं बैठा पा रहे। हम बात हमारी पसंद नापसंद की नहीं होनी चाहिए, बात इसकी नहीं है कि कौन मुझसे पास है कौन मुझसे दूर है, बात इसकी नहीं है कि कौन क्या खाऊंगा तो मेरे शरीर में ज़्यादा वृद्धि आ जाएगी, प्रोटीन आ जाएगा, ये आ जाएगा, बात इसकी बिल्कुल भी नहीं है, बात कुछ और है, और वो कुछ और जो बात है वो नहीं समझेंगे तो हम यही मूर्खताएं करते रहेंगे। एक्चुअली स्पीशीजिज्म, जातिवाद, प्रजातिवाद का ये डेफिनेशन मैंने आज पहले बार सुना आपसे, और अच्छा भी लगा। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी आपने जातिवाद प्रजातिवाद एक साथ बोला। लोगों को जातिवाद से इतनी समस्या है, प्रजातिवाद से क्यों नहीं समस्या है? और जातिवाद में भी हम उस जाति से बहुत प्यार करते हैं जहां पे हम हैं, जहां हम हैं, मेरी जाति है ना इसीलिए अच्छी है, वैसे मेरी प्रजाति है इसलिए अच्छी है, और जो भी प्रजातियां मेरी प्रजाति से मिलती जुलती हैं, जैसे कि चिंपैंजी हो गया, बंदर हो गया, उनको नहीं खाते हम आमतौर पर। आचार्य जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, अपने चयन, चॉइस या पसंद से आप पशु प्रेमी नहीं होते। आप सच्चे पशु प्रेमी तब हैं जब आप दिलो दिमाग से ये बात माने कि सारे पशु को सम्मान से और स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार है, भले वो आपके करीब हो या ना हो, आपके फायदे का हो या ना हो, आपकी पसंद का हो या ना हो, उसे अपना पूरा मस्त जीने का पूरा अधिकार है, और अगर उससे वो छीना तो ये अनैतिक है, अधर्म है और अन्याय है। सो इंसान गहराई में क्यों नहीं जाता, ये इमोशंस में क्यों अटक जाता है, गहराई क्यों इसी में मजा आता है? गहराई में आनंद है, और जो कुछ हमें आनंदित करता है हम उससे डरते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है डीप प्लेजर से, माने जॉय से, हमें सबसे ज़्यादा डर उससे लगता है। हम सब कहने को प्लेजर सीकिंग लोग होते हैं कि सबको प्लेजर चाहिए, लेकिन असली प्लेजर जो होता है वो सामने आता है और हमारे छक्के छूट जाते हैं बिल्कुल। जिसको हम अध्यात्म में मुक्ति कहते हैं, वो किस चीज़ से मुक्ति है? इसी से तो, जो ये हमारा तनाव, कलह, क्लेश और जो उतरी हुई शक्ल है, इससे मुक्ति, इससे हमें मुक्ति चाहिए नहीं, इसीलिए मुक्ति इतनी विरल, रेयर होती है। लोग इसलिए डर जाते हैं कि अगर ये बात मैंने समझ ली तो कहीं मेरे दुख छूट ना जाएं। हमें अपने दुखों से बड़ा मोह हो गया है, अपने बंधनों से लगाव, हमें शायद लगने लगता है कि इन्हीं से हमारी पहचान, हम यही हैं, यही जिंदगी है, और ये छूटा तो हम बड़े कहीं के रहेंगे नहीं, हम ही मिट जाएंगे जैसे। डीप प्लेजर इज द एंड ऑफ अ लाइफ ऑफ डीप सफोकेशन, है ना? तो लाइफ ही खत्म हो जाती है फिर। और शायद इंसान न्यूनेस और अननोन से डरता है हमेशा। हम अननोन से भी नहीं डरते हैं, हम नोन सफरिंग्स से अटैच्ड हैं। हमें अननोन से डर नहीं है, बस हमें सब कुछ नोन चाहिए। नोन में भले सफरिंग भी हो तो भी चलेगा, और नोन में सफरिंग ही होती है, क्योंकि वो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसे लिबरेशन कहेंगे या डीप प्लेजर, आनंद कहेंगे, जिसको मुक्ति कहेंगे, वो तो सदा नया होता है। कष्ट ही पुराने होते हैं, बंधन ही पुराने होते हैं।